नमस्कार Okay, मुझे तो लगता है कि माइक मेरे पूरे चेहरे के ऊपर अच्छा अच्छा थोड़ा दूर कर लीजिए माइक नीचे कर लो यार ये मुंह पे रखो पूरा एक मिनट माइक नीचे करो हाँ चलिए रेडी वो वैसे भी जोर से बात कर रहे हैं क्या बात कर रही है अच्छा सर अच्छा चलो ओके सबसे पहले तो आज के डांस परफॉर्मेंस के बारे में बताइए इस तरीके से आप लोग एक अलग अवतार में नजर आ रहे हैं अलग ड्रेस में जी 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 हमें कथक सीख गई ये कहना चाह रही है कि ये कथक सीखी है और हाँ हम लोगों ने कथक में आज कथक में नहीं कथक किया एंड पहली बार ट्रस्ट में मैंने आज तक मुझे बहुत ही कम लोगों ने डांस करते देखा और वो भी कथक करते हुए देखा वो बहुत कमाल था मैं नीचे आ जाता हूँ नीचे करो ना अरे यार नीचे करो पुगली हाँ चलिए चेहरा मेरा दिखाना है ओके ओके शक्ति आपसे जाना चाहिए हाँ जी कितना क्या मैं पूछूं ये आदमी लोग नहीं समझते ओके शक्ति सबसे पहले तो आपसे बताना चाहूंगा कि मतलब किस तरीके से क्या ट्रेनिंग की दी आपने आज क्या-क्या सिखाया है तो ब्रेक लेग में मैंने सोचा कि ये अमेजिंग जोड़ी को बुलाते हैं और इनको क्या ऐसा मैं सिखाऊं जो इनके लिए चैलेंजिंग हो क्योंकि दोनों बहुत अच्छे डांसर्स हैं एंड मनीष तो सारे डांस रियलिटी शोज जज कर चुके हैं माइंड ब्लोइंग डांसर आज ये देख के मुझे समझ में आ गया कि इन्होंने रियलिटी शोज देख देख कर सब कुछ सीख लिया है क्योंकि जैसे ही हमारा एपिसोड स्टार्ट हुआ और इनको नृत्य चक्र में आया कि इनको कथक करना है अब ऊपर ही बैठ जाओ ना इन्होंने फर्स्ट स्टेप जैसे ही स्टार्ट हुआ मैं और अली देख ही रहे हैं और ये चक्कर 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 मार के खड़े हैं सीरियसली तो मनीष हैज गॉन टू नेक्स्ट लेवल और आप जब ये एपिसोड देखोगे आपको पता चलेगा ही इज अ कथक डांसर इन्होंने सीखा है मुझे तो लगा कि ये कुछ सेट है कि मतलब मनीष हैज ऑलरेडी मतलब प्रैक्टिस्ड कुछ नहीं दे आर जस्ट बीइंग ट्राइंग मैंने कोई ऐसा अच्छा नहीं किया तुम लोग देखोगे मालूम पड़ेगा बट हाँ मजा बढ़ाया और आज शक्ति के यहाँ पे आए इनके स्टूडियो में इनके शो में और आज एली और मैं आई थिंक एली आफ्टर मिकी वायरस फर्स्ट टाइम वी हैव परफॉर्म्ड तो मिकी वायरस के बाद पहली बार हम लोग एक साथ आए और इतनी पागलपंती हुई है कि मैं मतलब कट होने के बाद और ज़्यादा पागलपंती हो रही थी जिस तरह से हम फोटो शूट करें एवरीथिंग द होल डे वाज मैड मतलब पता ही नहीं चला कैसे पूरा दिन निकल गया नहीं यार बिल्कुल मैंने किया एक्चुअली लेकिन आज मुझे मालूम पड़ा कि सब भूल गए मैं यार मैंने कभी नहीं किया था मैंने सिर्फ होस्टिंग और एक्टिंग करी है कथक मैंने पहली बार किया मैंने घुंघरू भी पहली बार पहने और ये लोग तब तो मुझे चल झूठे तू बहुत बार कह चल झूठे ये करेगा सीरियसली आप खुद ये भी बोलेंगे मनीष आपको हमने ऑलरेडी परफॉर्म करते देखा है जब आप होस्ट करते हैं तो यू नो आप परफॉर्म करते हैं तो मे बी वो आपको सिखा गया है डांस और आपको पता भी नहीं यार मुझे एक्चुअली पता नहीं चला मतलब आज जब मेरे पैर मूव कर रहे थे रियली मैंने कहा ये किसके पैर लग गए भाई मेरे तो नहीं है जो इतने अच्छे तिरक रहे हैं बट माधुरी जी से कुछ ऐसा मतलब माधुरी जी हां बट सीरियसली मुझे माधुरी जी बहुत ये बहुत सारे मतलब पल्लू पल्लू करिए के बाद बहुत ही ज्यादा क्यूट है आई थिंक इन दोनों को सामने बैठा दो और कैमरा छोड़ दो दिन भर आप एंटरटेन हो सकते हो मैं पागल की तरह हंसी हूँ आज इन दोनों के साथ अभी भी चालू है अभी भी चालू है आपको कितना समय लगा कथक सीखने यार बहुत जल्दी सीखा है इन्होंने मतलब थैंकफुली तो हाँ जो हमारी टीचर नेहा राइट नेहा ने सिखाया शक्ति ने यहाँ पे जो हमें सिखाया आई थिंक मैंने तो बड़ी जल्दी पिकअप किया एप बीइंग अ नॉन डांसर एंड एली बहुत अच्छा डांस करती है सभी जानते हैं एली के साथ बॉन्डिंग बताइए कैसा रहा इनके साथ यार एली के साथ बॉन्डिंग मेरी बहुत अच्छी रही यू नो बट मतलब एली और मैं जो है एली को हमेशा होता है कि क्लोजअप लगना चाहिए तो इसका भी नहीं यार एली के साथ बहुत अच्छी टाइमिंग है हमेशा ये करता है सीरियसली यहां आने से पहले मैंने खुद मनीष को मैसेज किया ये मैसेज कर रही थी मैं आपको मैसेज कि मनीष आज मुझे ऐसा वाले मतलब पप्पी मत दो जैसे आप बार-बार करते हो ओए पप्पी मत दो जैसे बार-बार करते हो नहीं पप्पी हग 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 बेटे हग अलग होती है झप्पी सॉरी झप्पी गाइस डोंट गेट झप्पी कह रही थी झप्पी कह रही ब्रेकिंग न्यूज़ कंट्रोवर्सी हो गई नहीं झप्पी सॉरी मनीष मुझे ऐसा और उसने कहा प्लीज आज मुझे ऐसी पप्पी मत देना जैसे रोज देते हो नहीं मतलब ऐसा झप्पी मत दो मुझे जैसा हर बार करता है ना वो पूरा ऐसा मतलब जैसे मैं बच्ची हूँ क्या मतलब पूरा ऐसा ये स्क्वीज कर रहा है ऐसे कर देता हूँ इसको तो कह रही प्लीज मेरे बाल पूरा ऐसा मैंने बोला क्योंकि मेरा पहला लुक ये टू ऐसा क्या बोलते हैं जुड़ा जुड़ा बंड्स हाँ जुड़ी जुड़ी वही था तो मैंने बोला मनीष प्लीज मतलब सब खराब होगा और मेरा दिमाग पूरा खराब होगा मतलब पूरा मूड खराब होगा तो प्लीज मत करो तो जैसे वो अंदर आ गए ना कमरे के अंदर मैंने बोला मनीष प्लीज यही मतलब ऐसे कहती है ऐसे हग करेंगे अरे हमारे बीच एक हेलो
हेलो पहली बात बता दूं, मैं पानी ठंडा बताना चाहता हूं, वो मिकी वायरस के बाद ना इसको भी एक ब्रेक की जरूरत थी मनीष के साथ काम करने के, इसके वो दूर चले गए वापस आ गए वो बोलने में दैट्स ऑल द ट्रुथ एंड देन ही सेड मैं एक अच्छा एंकर और एक एक्टर और होस्ट हूं, सिर्फ होस्ट अच्छे हुआ एक सेकंड बट यहां पे सारे टैलेंटेड लोग हैं, व्हाट आर यू डूइंग हियर ब्रदर? ओह अच्छा, ही इज आल्सो डूइंग अनदर एपिसोड, वेरी नाइस टू सी यू वर्जी। अरे यार मनीष मैं माइक के अंदर जाऊंगी अभी। अच्छा सॉरी सर, इधर आ जा, मत जा माइक के अंदर, तब से ये ऐसे ही है, खुद माइक में जा रही है, वो बेचारे माइक पीछे कर रही है। कोई हिप हॉप वगैरह जो भी होगा बॉलीवुड, जब कथक पे आके रुका मैंने कहा मजाक कर रहे हैं ये लोग, बट कहती नहीं कथक ही करना है सर। ओके एंड एक्चुअली मैं बहुत खुश आ गई क्योंकि यहाँ आके मैंने वो मैंने वो देखा और मैंने देखा कि कथक लिखा है वहाँ पे, तो मैंने ऐसा मतलब मजाक में बोला कि वाह मुझे तो कथक करना है, और एक्चुअली वो वहाँ पे पहुँच गए तो मैंने बोला ये कुछ ऐसा ये है क्या, फिक्स है क्या, ये कैसे हो गए, मतलब मेरी ख्वाहिश ऐसी पूरी हो गई थी ना, हम समझ गए। हाँ भगवान मेरी बातें सुनते हैं, वो मेरे दिल की बात बिल्कुल नहीं थी, बट ट्रस्ट मी मैं बहुत खुश हूँ, मुझे नहीं पता था मैं इतनी जल्दी डांस सीख के पिक भी कर सकता हूँ, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था। थैंक यू शक्ति, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी ऑन द शो, और थैंक यू शक्ति फॉर कॉलिंग मी। ओके इसी के साथ में अगर बिग बॉस की अगर बात की जाए तो बिग बॉस कितना फॉलो कर रहे हैं आप लोग, अली आप तो कंटेस्टेंट भी रह चुके हैं, और भी पूछ लो बाकी शोज के बारे में, बिग बॉस, छोटी बहू, कौन सी और, सारेगामा लिटिल चैंप जो है बहुत ही कमाल का शो आने वाला है, एंड अरे मलंग के बारे में पूछूं, सब अपने मुंह लगे, हां यार वो रिलीज होने वाला अभी 7 तारीख को, और मैं हूं मलंग के अंदर हूं, ये मलंग के अंदर भी है और ये मलंग के अंदर भी है, ये बहुत मलंगी है, ये माइक के अंदर भी है, ये बहुत झूठा आदमी है, मैं बता रहा हूँ, मुझे पता था मनीष और मर्जी सर की हुई लड़ाई, बट थैंक यू सो मच गाइस, लव यू ऑल, बहुत गर्मी लग रही है, फिर मिलेंगे, व्हाट मलंग 7th of February, ये एपिसोड आप देखकर आपको पता चलेगा किसने ज्यादा अच्छा डांस किया है, for that you have to watch the episode, marzi sir ko kya sikha sakte hain, he is already a choreographer, such an established, matlab he is a pioneer, aaj pata chalega, to sir ka aana yahan par wahi hamare liye bahut badi baat hai, baki nritya chakra mein jo aayega wo sir karenge, but he was free, he told me I'm dying to come on the show, I was dying to come on the show because abhi aise koi bula nahi raha hai, to koi bulata to acha hoga, thank you bol ke le lo na yaar, ना नहीं बोलना चाहिए, एब्सोल्युटली ना बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए, बट थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच, थैंक यू, मैं अभी तो मेरे को पता नहीं मैं क्या करता हूं, मेरे को भी पता चला, चक्रा जब घुमाऊंगा तब मेरे को फटी, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू यार, बहुत बहुत अच्छा।